अभी एमसीयू में कोई सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट विलेन कोई और नहीं बल्कि थैनोस है। बट आखिर अवेंजर्स 4 के बाद कौन सा विलेन आना चाहिए जो कि अगर थैनोस की बराबरी ना भी कर पाए तो कम से कम उसे टक्कर तो दे ही। तो गाइज मैं हूँ आमिश और आज की इस वीडियो में मैं ऐसे ही 8 विलेन के बारे में बताऊंगा जिसको हर एक फैन अवेंजर्स 4 के बाद देखना चाहेगा। कैंग द कंकरर। अब ये विलेन बहुत ही अलग है क्योंकि इस लिस्ट का ये एक ऐसा विलेन है जो कि टाइम ट्रेवलर है। कैंग द कंकरर 38th सेंचुरी का है और इसका सबसे बड़ा वेपन है टाइम। जी हाँ, इसने टाइम को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया है और कॉमिक्स में प्रेजेंट में आकर अवेंजर्स का सबसे बड़ा दुश्मन भी बना। अब अवेंजर्स 4 के बाद थैनोस जैसे विलेन से जब अवेंजर्स निपट लेंगे तो एमसीयू में इस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करना बेस्ट रहेगा क्योंकि हम सबको पता है कि एमसीयू के फ्यूचर में बहुत ज्यादा टाइम ट्रेवल इन्वॉल्व होने वाली है। द लीडर। अब इस विलेन के बारे में बहुत लोगों को ये पता नहीं होगा कि इसे हमने पहले भी एमसीयू में देख लिया है। अगर आपको इनक्रेडिबल हल्क याद है तो आपको ये तो याद ही होगा कि डॉक्टर सैमुअल स्टर्न्स के ऊपर हल्क का खून गिरा था। और अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि कॉमिक्स में ऐसा ही सेम हुआ था जिसके बाद डॉक्टर स्टर्न द लीडर नाम के एक विलेन बने थे। हालांकि एमसीयू में अब तक दोबारा इस कैरेक्टर का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है, बट ऐसा तो हम सब होप कर ही सकते हैं कि फ्यूचर में इस कैरेक्टर को यूज किया जाए क्योंकि पहले ही इस मेगा विलेन के ओरिजिन को हमें मूवी में दिखा दिया गया है। मैंडरिन। आयरन मैन 3 से आपको मैंडरिन का नाम तो याद होगा ही, बट मूवी में ये सिर्फ इसका नाम ही था और हमें असली मैंडरिन कभी देखने को मिला ही नहीं। लेकिन कई लोगों को ये नहीं पता होगा कि मार्वल स्टूडियोज ने इस कैरेक्टर से रिलेटेड एक शॉर्ट फिल्म ऑल हेल द किंग रिलीज की थी जिसमें ये रिवील किया गया था कि असली मैंडरिन भी एमसीयू में एग्जिस्ट करता है। अब जिन्हें नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं कि मैंडरिन एक बहुत ही पावरफुल और खतरनाक विलेन है जिसके पास इन्फिनिटी स्टोन्स जैसे ही 10 अंगूठी हैं और हर एक अंगूठी के अलग अलग पावर्स हैं। तो इन्फिनिटी स्टोन्स के बाद एमसीयू में इस मैजिकल कैरेक्टर को भी सारे फैंस जरूर देखना चाहेंगे। टास्क मास्टर। अब टास्क मास्टर बहुत बड़ा विलेन तो नहीं है और इसके पास कोई सुपर पावर्स भी नहीं है, लेकिन फिर भी कॉमिक्स वर्ल्ड में ये सबका फैन फेवरेट है और इसका सबसे बड़ा रीजन है इसकी फाइटिंग स्किल्स जिससे कि ये थॉर जैसे गॉड को भी टक्कर दे पाता है। ऊपर से इसका स्कल मास्क इसे सारे विलेन से यूनिक भी बनाता है। एंड इस कैरेक्टर का कैप्टन अमेरिका से एक बहुत इंटरेस्टिंग रिलेशन है क्योंकि इसे भी सुपर सोल्जर सीरम दिया गया था। तो अगर एमसीयू के फ्यूचर में आप कुछ कमाल के एक्शन सीन्स देखना चाहते हैं तो टास्क मास्टर ही ऐसा विलेन है जिसे इंट्रोड्यूस करना चाहिए। रेड हल्क। कॉमिक्स में रेड हल्क को हल्क के विलेन की तरह इंट्रोड्यूस किया गया था और यहाँ ये रिवील नहीं किया गया कि आखिर रेड हल्क की असली आइडेंटिटी है क्या। देन आगे चलकर ये पता चला कि रेड हल्क कोई और नहीं बल्कि जनरल थंडरबोल्ट रॉस हैं, जिन्हें हमने एमसीयू में भी देखा है, और कमी है तो बस रेड हल्क की। अगर मार्वल स्टूडियोज चाहे तो वो इस कैरेक्टर को भी वैसे ही इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जैसे कि कॉमिक्स में किया गया था, जहां किसी को इस कैरेक्टर की असली आइडेंटिटी पता नहीं होती, या फिर जैसा कि कॉमिक्स में आगे चलकर रेड हल्क अच्छा हो गया था और सुपर हीरोज का साथ दे रहा था, यहाँ भी वैसा किया जा सकता है। डॉक्टर डूम। अब इस लिस्ट में डॉक्टर डूम मार्वल कॉमिक्स के बहुत फेमस और बड़े विलेंस में से एक है, बट अफसोस ये था कि अब तक इस कैरेक्टर के राइट्स फॉक्स के पास थे। लेकिन अब जब डिज्नी ने फॉक्स को खरीद लिया है तो इससे अच्छा और क्या टाइम हो सकता है कि साइंस और मैजिक से जुड़े सबसे बड़े विलेन को एमसीयू में इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। और थैनोस के बाद इस विलेन को एमसीयू में देखना बहुत सारे फैंस का सपना है। इस कैरेक्टर के बारे में और डिटेल में जानने के लिए आई बटन पे आप वीडियो देख सकते हैं। डोरमामू। डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में हमने डोरमामू को डॉक्टर स्ट्रेंज से लड़ते देखा। हालांकि वहां डोरमामू लड़ते लड़ते बोर हो गया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो एक कमजोर विलेन है। केविन फैगी ने ये भी बोला था कि डॉक्टर स्ट्रेंज में डोरमामू का बस इंट्रोडक्शन था, जैसे कि हमें स्टार्टिंग से ही थैनोस की झलक दी जा रही थी। और इसका एमसीयू के फ्यूचर से एक ही मतलब है कि हम डोरमामू को फिर से देखने वाले हैं और इस बार वो इतने आसानी से वापस नहीं जाने वाला। आप बस इतना समझ लीजिए कि डोरमामू के पावर्स के आगे थैनोस की कोई औकात नहीं है। गैलेक्टस। इस पूरी लिस्ट में सबसे पॉपुलर कैरेक्टर यही होगा, और हो भी क्यों ना, जब ये एक बार में ही पूरे के पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। गार्डियंस की मूवी से हमें ईगो और इटर्निटी जैसे कॉस्मिक एंटिटी से इंट्रोड्यूस किया गया और गैलेक्टस वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉस्मिक एंटिटी है जो कि प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर उसकी एनर्जी से सर्वाइव करता है। थैनोस के बाद कोई विलेन उसकी जगह ले सकता है तो वो यही होगा। एंड अब जब इस कैरेक्टर की राइट्स भी डिज्नी के पास है तो ये तो कंफर्म है कि मार्वल स्टूडियोज इतने पॉपुलर कैरेक्टर को यूं ही बेकार नहीं जाने देगा। आप सब नीचे कमेंट में बताओ कि आप इनमें से किस विलेन को सबसे ज्यादा फ्यूचर में देखना चाहोगे और क्यों। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। टारगेट करते हैं 7800 लाइक्स की, तो अपने सुपर फिंगर्स का यूज करो और वीडियो लाइक करो। साथ ही ऐसी और कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। आयरन मैन के नए आर्मर के बारे में जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखो और टॉप 10 विलेंस के बारे में जानने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।